सिस्टम तक बात की थी। थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम थे, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन तीनों टिश्यू सिस्टम पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे ही कुछ एग्जांपल, मतलब किस में किसको इंक्लूड करेंगे, जैसे स्टोमेटा को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, रूट हेयर्स या फिर ट्राइकोम्स को इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रखेंगे। और इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए बताया गया था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितना भी टिश्यू बचता है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, है ना, भरण ऊतक जिसको कहेंगे। अब इसमें टिश्यू सिस्टम के अलावा, मतलब सेकेंड टिश्यू सिस्टम ग्राउंड की डेफिनेशन के आगे अब हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगर समझें तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को लेके। एक वर्ड तो आएगा, थर्ड वाला है ये, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको जो ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम का रोल है एंड अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये बेसिक बात का ध्यान रखना है। आपने सुना होगा एक रेडियल वर्ड आता है, रेडियल टिश्यू सिस्टम, रेडियल। रेडियल टिश्यू सिस्टम में आपको यह ध्यान रखना है कि एक ही रेडियस पर, है ना, ये सर्कल बनाया और ये यहां से सेंटर, सेंटर से पेरिफेरी की ओर में ये इसकी रेडियस, इस रेडियस पर, एक ही रेडियस पर साइलम या फ्लोएम दोनों आ रहे हैं, ऐसा इस रेडियल टिश्यू सिस्टम में नहीं होता। मैं कहना ये चाहता हूं कि अलग अलग रेडियस आप मान लीजिए, ये अलग अलग रेडियस है, अब किसी रेडियस पर जाइलम आएगा और किसी रेडियस पर फ्लोएम, ना, किसी पर जाइलम किसी पर फ्लोएम, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं अब हम, इसमें किस बारे में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों का अरेंजमेंट देखना रहता है। तो जाइलम और फ्लोएम का रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट देखा जाए तो किसी एक रेडियस पर मान लीजिए जाइलम है, जाइलम आ रहा है और किसी और रेडियस पर फ्लोएम आ रहा है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियल टिश्यू सिस्टम। और ये वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है रूट्स में, ठीक है, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, रूट में रेडियल अरेंजमेंट होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। एनसीईआरटी का फर्स्ट डायग्राम यही शो करना चाहता है। देन उसके बाद में यहां पर सेकेंड एक और पैटर्न दिया गया है जिसको कंजॉइंट कहेंगे। कंजॉइंट यानी कि एक तरह से एक ही रेडियस पर दोनों रखे और जॉइंट में, है ना, सेकेंड वाला पैटर्न हम लेंगे कंजॉइंट। कंजॉइंट टाइप का जो टिश्यू सिस्टम है उसमें यह होता है कि जैसे आप इस आपके इसमें डायग्राम में अगर देखेंगे, वो अलग पैटर्न से दिया है, वो भी मैं बता देता हूं, उसमें कुछ ऐसा बना रखा है, ये ऐसे कुछ, ये जैसे यहां फ्लोएम शो कर दिया है और इसको यहां पर जाइलम शो किया है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम शो किया, ठीक है। अब इसमें ये एक्चुअल में एक ही सेगमेंट किसी एक रेडियस के ऊपर रखा था, उसको हटा के आपको बताया जा रहा है। अब इसको हम यहां अगर बना के देखें, इसके कंपैरिजन में मान लीजिए मैंने एक टीएस लिया है किसी स्टेम का और इसमें डाइकोट है कि मोनोकोट, आप अभी सोच के बताएं, ये रेडियस है, इस एक ही रेडियस पर मैंने यहां पर ऐसे कुछ फ्लोएम बनाया है और उसके अंदर यहां पर जाइलम बनाया, ठीक है, ये बाहर है फ्लोएम और ये जाइलम, ये फ्लोएम है और ये जाइलम, और इसके अलावा मेरे यहां, मैं यहां पर कोई भी लेबलिंग नहीं करना चाहता। तो ये डाइकोट है कि मोनोकोट, ये मोनोकोट स्टेम है, ठीक है, मोनोकोट स्टेम में ये पैटर्न होगा। अब अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, यहां पर हमने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है प्रॉपर तरीके से,
मैंने यहां पर एक ऐसा और स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसको आप देखिए कि मैं इसको कहना चाह रहा हूं कि ये केम्बियम है, एधा केम्बियम, ये केम्बियम है ना। इस केम्बियम की प्रेजेंस की वजह से अब इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। इसके पहले जब केम्बियम नहीं थी तो क्लोज टाइप वैस्कुलर टिश्यू हो गया था, देन उसके बाद अभी ये जो केम्बियम प्रेजेंस है तो इसकी वजह से ये ओपन टाइप का वैस्कुलर टिश्यू हुआ। और इस अरेंज, ये यहां है ऐसा, मतलब सर्कल में रहेगा। इस अरेंजमेंट को हम स्टेम में देखते हैं, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज, ठीक है, यहां पर दोस्तों दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन टाइप जो यहां दिख रहा है अभी फिलहाल, और इसके पहले जो डिस्कस किया था वो क्लोज टाइप था। ओपन में केम्बियम प्रेजेंट होती है ना, और क्लोज में केम्बियम एब्सेंट होती है। बस ये ध्यान रखना। ओपन टाइप कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, डाइकोट है ना, ये डाइकोट में देखने को मिलेगा, ये वाला पैटर्न डाइकोट स्टेम, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलता है। इस तरह से एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया, ठीक। अब उसके बाद में यहां पर एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट है ना। एक्चुअल में अब टिश्यू लेवल पर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है वो बताइए, उसको हम ध्यान रखें या उसको आखिर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है। तो सबसे पहले आप दिमाग में बिठाओ, हमको हर पार्ट के दो डायग्राम पढ़ना है। सबसे पहले रूट, उसके दो डायग्राम दिए हैं, स्टेम सेकेंड, उसके भी दो डायग्राम दिए हैं, और थर्ड लीफ, उसके भी तो दो डायग्राम है। एनसीईआरटी में जो जो ऊपर मिलेंगे आपको देखने, वो सभी डाइकोट होंगे, जो ऊपर है वो सब डाइकोट है, ठीक है। और इनको ऐसे कुछ समझना है कि आखिर डिफरेंस क्या है, डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस क्या है ना, डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट मोनोकोट लीफ, उनका इस डिफरेंस जस्ट देखना है आपको, है ना। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है, या जब एनसीईआरटी को मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ डिस्कशन यहाँ पर लेते हैं हम, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। टिश्यू का अरेंजमेंट पढ़ना है जस्ट। अभी तक हमने टिश्यू को क्लासिफाई किया कि कौन सा टिश्यू हो, कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं। हमने टिश्यू में देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, कि वह टिश्यू जिसकी सेल्स डिवाइड होती रहे, उसको मेरिस्टेमेटिक या विभाजोत्तक ऊतक कहते हैं। और वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी है ना, डिवाइड नहीं हो रही है वो सेल, और विभेदित हो चुकी, यानी डिफरेंशिएट होके कुछ और काम कर रही है, उन टिश्यू, उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स बताए थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आया था, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी ऊतक में क्या आ रहे थे, जाइलम एंड फ्लोएम। इन सभी को पढ़ने के बाद में हमने ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम देखा। टिश्यू सिस्टम में देखने को मिला कि अलग अलग बेसिस पर जो एपिडर्मिस बाहर बाहर जो होता है, और उस एपिडर्मल टिश्यू का ही कुछ मॉडिफिकेशन जो होता है, यानी कि उससे कहीं रूट हेयर निकल गया, कहीं स्टोमेटा बन गया, कहीं ट्राइकोम बन गया, तो इस बेसिस पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिफाइन किया। देन उसके बाद अंदर जो वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम हो, तो जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहा। और इन दोनों को छोड़कर, कौन से, एपिडर्मल और वेस्कुलर को छोड़कर जो बचा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जब हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत छोटी बातों को ध्यान रखना चैलेंज होता है। जब कहीं बेसिक जगह से छोटी बात से कोई क्वेश्चन पूछते हैं है ना, तो वो काफी रिस्की होता है, सिली मिस्टेक कॉज करने वाला हो सकता है। इसलिए आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उससे ये लर्न कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, किस पैटर्न पे पूछा है, इसको अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है ना ट्विस्ट करके कुछ भी बनता है तो वो क्या प्रॉबेबल है, उस तरह से दिमाग में क्रिएटिविटी मेंटेन कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पर ये जो अभी टिश्यू मैंने बात की, इनके अरेंजमेंट,
अभी जो जस्ट रिकॉल करवाया उसका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब वो कहां है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले दिया है, यहां पर एक लिस्ट बना लेते हैं अपन। हम यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें रूट के बारे में बात की, रूट में डाइकोट मोनोकोट, ठीक है, सबसे पहले डाइकोट रूट मोनोकोट रूट, है ना, डाइकोट मोनोकोट रूट इसकी बात की है। देन उसके बाद में स्टेम को डिस्कस किया है, डाइकोट मोनोकोट स्टेम डिस्कस किया, देन उसके बाद में लीफ, है ना, वो भी वही डाइकोट मोनोकोट लीफ। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो कौन सा रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों की यहां पर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और अच्छी बात यह कि मैक्सिमम टाइम जो भी क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी से ही कवर हुए हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल या थोड़ा सा कुछ भी उसमें फोकस करके ध्यान से वो क्वेश्चन कोई भी पढ़ेगा इजीली सॉल्व हो जाता। तो उसके बाद में हम ये अभी ये है ना डाइकोट मोनोकोट पूरा रूट स्टेम लीफ के बाद में देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनता ही है। चलो तो अब आप अपनी एनसीईआरटी में जल्दी से फोकस हो जाइए, सबसे पहले ध्यान से देखिए आप डाइकोट रूट के डायग्राम। एनसीईआरटी में डाइकोट रूट का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपकी बुक में 2 डायग्राम दिए, ऊपर वाला डाइकोट रूट है, नीचे वाला मोनोकोट रूट का डायग्राम है। डाइकोट रूट में सनफ्लावर एग्जाम्पल, मतलब डिस्कशन में हमने सनफ्लावर लिखा है। मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट में आपको पता ही होगा कौन कौन से आते हैं, जैसे गेहूं व्हीट मोनोकोट है, राइस मोनोकोट, मेज मोनोकोट, है ना, मक्का वगैरह घास, ये सब मोनोकोट में आते हैं, है ना। तो डाइकोट मोनोकोट के जनरल एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सूरजमुखी सनफ्लावर क्या है, डाइकोट है। चलिए तो यहां पर डायग्राम में जो जो लेबलिंग है आप उसको जरा देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सबसे बाहर जो ये लेयर है ना, इसको मान लेते हैं ये कौन सी है, एपिडर्मल, सबसे बाहर। इसके कुछ सेल्स ऐसे इलॉन्गेट हो जाती है, उसके बाद में यहाँ अलग अलग सेल्स है, फिर यहाँ पे आई है ना, यहाँ पर इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज बैरल शेप्ड सेल्स मिलेगी, है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगी। खास बात ये रहेगी कि इन सेल्स में क्या देखने को मिलता है कि यहां इधर कोई सेल अगर बनाओगे तो उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस रहेगा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, बट ये वाली जो सेल्स है ये एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास पास में है, है ना। और इसको कौन सी कहेंगे, कौन सी सेल है, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस डर्मल लेयर है, ठीक है। ये सबसे बाहर जिससे रूट हेयर निकला हुआ है, ये रूट हेयर जिससे निकला है इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे आप हाइपोडर्मल, मतलब कॉर्टिकल लेयर बोल सकते हैं, इस पूरे एरिया को कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टेक्स की कॉर्टिकल लेयर्स है ये। देन इन सभी को, है ना, कौन सा, मतलब यहाँ कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, इन दोनों को मिलाकर हम कॉर्टेक्स में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंस क्या देखना चाहते हैं हम, कि यहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है बट इन सेल में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंडोडर्मिस जो होती है वो कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत, है ना, इनर मोस्ट लेयर है, और इस एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, एस फॉर स्ट्रिप और कैस्पेरियन का स, और स यानी कि सुबेरिन से बनी होती है, ठीक है। बस इस तरह से ये बात यहां पर दी गई है। और फिर इन्होंने, ठीक है, रूट हेयर और ये सब, अच्छा रूट हेयर का पॉइंट क्या है, रूट हेयर जो होते हैं मल्टीसेलुलर आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर देखें तो वो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि यहां पर ये एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर रहेगी, तो वो रहेगा पेरिसाइकल। देन उसके बाद में यहां पर भाई टिश्यू जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट रहेगा। जाइलम फ्लोएम में आपको ध्यान हो तो मैंने एंडार्च और
एग्जास्ट कंडीशन को भी आपसे डिस्कस किया था, यानी कि जब अच्छा ये क्या रूट है, रूट की बात चल रही है, तो रूट अंदर होती है इसलिए इसमें जो कंडीशन देखने को मिलेगी जस्ट अंदर का बाहर उल्टा, एग्जास्ट कंडीशन देखने को मिलती है ना, इसमें एग्जास्ट कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि प्रोटोजाइलम, सोचेंगे जरा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होंगे, टुवर्ड्स पेरीफेरी होंगे, है ना, एग्जास्ट ऐसी कंडीशन, और मेटाजाइलम अंदर होंगे, वो भी यहां पर लेवल किया हुआ है। अच्छा आप ध्यान देंगे कि यहां पे सेंटर में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिथ कहते हैं, क्या कहते हैं, पिथ, तो पिथ वाला पॉइंट भी रहेगा डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस को लेके, तो पिथ लार्ज एंड स्मॉल ऐसा रहेगा, स्मॉल आर एब्सेंट, तो उसको भी मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं सारी बातें। आप एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स इस तरह से मिलने वाले हैं कि मोस्टली सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है, डाइकोट के बाद जब मोनोकोट आप पढ़ रहे हो, मोनोकोट रूट, तो सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है। आप आराम से देखिए, पॉइंट ये है कि पिच की बात करें अगर, तो देखो डाइकोट एंड मोनोकोट, यहां हम मोनोकोट को थोड़ी देर के लिए मोनो कह लेते हैं, काम की बात है ना, मोनो क्या कहा है मोनोकोट को, सोचेंगे भाई साहब क्या कहा है, मोनू, ठीक है, इस मोनू, अच्छा मोनू किसी ऐसा लगता है बच्चे का नाम है ना, मान लेते हैं बच्चे का नाम है, तो मोनू कोई छोटा बच्चा है, और उस बच्चे के बारे में यह है कि थोड़ा जिद्दी है, और बच्चे जब जिद्दी रहते हैं तो उनको कोई भी चीज ज्यादा चाहिए होती है। अब यहां पर भी पिच की बात करें तो पिच एक मैं कहूं कि स्मॉल आर एब्सेंट, एक मैं कहूं लार्ज, अब आपसे पूछा जाए कि पिच लार्ज किसमें है, डाइकोट या मोनोकोट, अभी मैंने कहा था कि मोनोकोट को मोनू कहें, और मोनू एक बच्चा है जो जिद्दी, उसको कोई भी चीज ज्यादा चाहिएगी, है ना, तो यहां पर पिथ की बात करें तो मोनोकोट में पिथ कैसा है, लार्ज मिलेगा, है ना, ज्यादा चाहिए जिद्दी बच्चे को, ज्यादा चाहिए कुछ भी, यानी कि पिथ जो मोनोकोट का है वो लार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से बात करें। और भी एक बात है, और बात क्या है, जब ये वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट की बात करते हैं, एक पॉइंट कवर कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखो अब आगे हम और देखते हैं पॉइंट क्या है, है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां होती है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो एंडोडर्मिस को वाटर के लिए इंपरमेबल बनाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस मटेरियल की बनी होती है, बोलेंगे सुबेरिन, है ना, सुबेरिन से बनी होती है कैस्पेरियन पट्टिका। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर अरेंजमेंट, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू का ऐसा कुछ अरेंजमेंट की बात हो रही कि मान लीजिए ये ऐसा उसमें जो बना रखे हैं ऐसा कुछ नंबर, जैसे अपने को भी नंबर से मतलब, तो मान लीजिए कि ये और कितने हैं, जैसे 5 हो रहे हैं, तो 4 to 6 एंड अप टू 4 है ना, तो इनके नंबर जैसे कि अभी ये ज्यादा है और मैंने जैसे कम कर दिए थोड़े, है ना, ओनली 4 है, ठीक है, और कम कर दिए 3 ही है, ये हटा दिए जैसे यही हो गया, है ना, तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इस डिफरेंस के बारे में आप सोचिए कि पॉलीआर्च कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, मतलब जो एक पॉइंट यहां पर देता है ये एनसीईआरटी में, सॉरी यहां पर इन्होंने दिया है कि यहां पर देखने को मिलता है बंडल्स के बारे में मोर देन 6 पॉलीआर्च, ये वाला वर्ड मोर देन 6 जो वाली बात है, तो मोर देन 6 हुआ और एक अप टू लेस देन 6 ऐसा कह ले हम सुविधा के लिए, वो 4 से 5 6 लिख रहे हैं उधर, तो मोर देन 6 वाली कंडीशन अगेन किसको चाहिए, ये वर्ड जो है ज्यादा चाहिए, तो मोनोकोट में पिथ भी लार्ज है, देन अगली बात क्या है यहां पर पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है, बस ये दो बेसिक डिफरेंस है। पॉलीआर्च कंडीशन आप समझ रहे हैं, पॉलीआर्च कंडीशन मतलब ये जो बंडल्स का रो है ये ज्यादा है 6 से ज्यादा, मोर देन 6 को कह रहे हैं ना, आप उसमें पढ़ेंगे आप उस बिल्कुल आसानी से समझ रहे है ना, मोर देन 6। चलिए तो ये बात हो गई इस तरह से। अब हम आगे रूट के बाद स्टेम की बात कर, डाइकोट मोनोकोट स्टेम, डाइकोट मोनोकोट स्टेम को लेके क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस तरह से है बच्चों, अगर समझ नहीं आ रहा हो
आप वीडियो को रोक के फिर से सुन सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका का आप अपने एनसीईआरटी में ठीक से एक बार देखेंगे, आपको सारी बात समझ आएगी। अब उसके बाद में आप आगे समझिए, अगर सही तरीका ये जो भी टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं उसको आप पहले एक बार रीड कर लीजिए बुक्स, फिर उसको मैच कर लीजिए अगेन, उसको रीड करोगे आपको सब चीज समझ आएगा। अब इसमें रूट के बाद में स्टेम दिया है, स्टेम वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम ध्यान से देखिए, क्या होना चाहिए वो डाइकोट है ना, ये भी बताया गया था कि ऊपर वाले सारे डायग्राम डाइकोट है, एक बार आपको बता देता हूं मैं। ये देखिए, जैसे सबसे पहले यहां पर आए हैं दो डायग्राम, टोटल हमको 6 डायग्राम पढ़ना है ना, दो इसके रूट के डाइकोट मोनोकोट 2, देन इसके डाइकोट मोनोकोट स्टेम और डाइकोट, टोटल 6 डायग्राम दिए हैं। इन 6 डायग्राम को आपको हो सकता है कि डायरेक्ट इन डायग्राम को ही पूछे, या इन डायग्राम्स में जो भी स्ट्रक्चर दिए हैं वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो इन 6 में से 2 तो ये रहे, ऊपर वाला कौन सा है कौन सा नहीं, फिक्स रूल बना लिया, डाइकोट है बात खत्म, नीचे वाला मोनोकोट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखे, अच्छा ये रूट है ना ये, अब इसके बाद में इसकी कुछ कहानी आप समझेंगे। यह है ऊपर वाला डाइकोट स्टेम, देन नीचे वाला मोनोकोट स्टेम। अब मैंने कहा था मोनू एक बच्चा है, और इस बच्चे के आप इस वीडियो को रोक के पहले चाहे तो इस डाइकोट मोनोकोट स्टेम की जो थ्योरी एनसीईआरटी में दी उसको रीड कर सकते हैं, उसके बाद में मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको काफी उसमें आउटपुट वाले पॉइंट मिलेंगे। देखें, अब रूट को हटा के अगर हम स्टेम की बात करें, फिर लीव कर गए बच्चों, यहाँ पर मैं कोई बहुत डिटेल आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिलहाल जस्ट हमको यहाँ पर ये देखना है कि एनसीईआरटी को कैसे डील करें या उसमें आए पॉइंट्स को कैसे पढ़े। चलो, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेम को, तो स्टेम में एक सिंगल पॉइंट मेरे को बताना है, छोटी सी कहानी, स्टेम में मोनोकोट स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे ध्यान रखें। मोनोकोट एक बीज पत्री तने के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी मैं कहानी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। कहानी यह है, एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम है मोनू, ठीक है, ये मोनू एक बच्चा है, मोनोकोट से मोनू, ये मोनू थोड़ा जिद्दी है ही सही, और छोटे बच्चे आपने देखे होंगे बड़े थोड़े थोड़े बाल दिखते हैं, गंजे ही रहते जनरली, तो मोनू जो है गंजा है, ठीक है, आप इसको अदरवाइज ना लीजिए, काम की बात है। अब मोनू गंजा है मतलब कहना क्या चाहता हूं, इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जो डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम है, हमने ट्राइकोम की बात की, मोनू गंजा है यानी कि स्टेम हेयर जिसको एग्जैक्टली ट्राइकोम कहा जाता है, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट, मैं अनुपस्थित या एब्सेंट को इस तरह से लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। तो मोनोगंजा का मीनिंग ये है, स्टेम हेयर आर ट्राइकोम्स आर एब्सेंट इन मोनो, चलेगा इन मोनो यानी कि मोनोकोट। दूसरी बात, वैस्कुलर बंडल की बात करें, है ना, मोनोगंजा हो गया एक बात है, दूसरा मोनो ने क्या है, खिलौने बिखेर दिए। अगली बात आप इसमें गौर करिए, मोनू ने खिलौने बिखेर दिए हैं, देखिए इसके जो खिलो बच्चा के जिद्दी रहते हैं, मस्ती ये रो रहे हैं या कुछ भी खेल भी रहे हैं, तो खिलौने उसने बिखेरे हैं, खिलौने क्या किए, बिखेर दिए, बिखरे हुए हैं खिलौने। अब खिलौने यहां पर क्या है बच्चे के, जाइलम एंड फ्लोएम, बच्चे के खिलौने क्या है, जाइलम और फ्लोएम। अब खिलौने बिखरे हुए हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं, है ना, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आर द यूनिक एंड आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम, है ना। तो खिलौने बिखरे यानी कि इसकी अगर इसका अगर डायग्राम देखोगे आप तो उसमें ऐसा कुछ रहेगा, बड़े बड़े खिलौने बच्चे ने अपने पास में रख लिए हैं, सेंटर में बैठा है मान लो बच्चा, और छोटे छोटे से पेरी फेरी की तरफ दूर फेंक दिए, तो बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल है ना, किसकी पहचान हुई, मोनो की यानी कि मोनोकोट की। तो मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं, मोनोकोट में ट्राइकोम या स्टेम हेयर एब्सेंट है ना, गंजा हुआ,
देन उसके बाद में मोनू की एक बात हो रही है, मोनू के गले में एक पानी की बोतल है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन मोनोकोटिस्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, मोनू के गले में पानी की बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल मोनू के गले में, पानी की बोतल है इसके पास, यानी कि वाटर कंटेनिंग कैविटी है, वो वाला पॉइंट यहां पर डिस्कस होता है, ठीक है। इस तरह से आप डाइकोट मोनोकोट में से मोनोकोट स्टेम के जो भी फीचर्स दिए हैं वो आप कवर कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहां पर छूट रहा है, उसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं। इस कहानी में ऐसा है कि एक बच्चा मोनू है जो थोड़ा जिद्दी है, उसने खिलौने बिखेर दिए हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए मोनोकोट में, उसके गले में पानी की बोतल है, मतलब मोनोकोट में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, और मोनू जो है उसके पास में मतलब क्या पॉइंट है, वो है गंजा वाला, है ना, ट्राइकोम सबसेंट है। एक और पॉइंट है, बच्चे क्या है कि कमजोर चीजें अगर बच्चों को देंगे तो वो तोड़ देगा, इसलिए यहां पर थोड़ी मजबूत चीज देंगे। तो हाइपोडर्मिस का जो पॉइंट आता है ना, कि हाइपोडर्मिस किस चीज से बनी, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स लेयर है, हाइपो यानी नीचे होता है ना, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे, तो हाइपोडर्मिस एक तो कोलेनकाइमा की बनी होती है, मैंने ये अभी नहीं बताया कि ये डाइकोट है कि मोनोकोट, और एक स्क्लेरेनकाइमा की। अब इसमें बच्चों में ये कहना चाहता हूं, आप ध्यान दें इस पे, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, मजबूत कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड होता है, इसमें लिग्निन रहेगा, है ना, मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग है एक तरह का, है ना, लिग्निफाइड होता है, लिग्निन इसमें देखने को मिलता है, है ना, तो एक तरह से ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये थोड़ा कमजोर है, वीक। अब हम क्या देख रहे हैं, बच्चे की मोनू की जो बात थी कि मोनू को कोई भी चीज देंगे तो तोड़ देता है, गुस्सा करने वाला है, थोड़ा जिद्दी बच्चा है, तो अब हम यहां पर ध्यान देंगे कि उसको कुछ भी जो खिलौना दिया है या कोई स्ट्रक्चर उसको दिया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग देंगे, तो इसलिए कहेंगे कि हम जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से मोनू, यानी कि मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा, तो डाइकोट की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सोचने की अप्रोच कुछ ऐसी भी है, मान लीजिए नेक्स्ट आपकी नीट एग्जाम जो भी आ रही है उसमें आपसे पूछा जाए कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ये हो तो आप कोलेनकाइमा लगा दें, देन इसका सेकेंड वर्जन पूछा जाए कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट्स है ना आर मेड अप ऑफ बाय लिविंग टिश्यू, नॉन लिविंग टिश्यू, डेड टिश्यू वगैरह वगैरह ऐसा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर डाइकोट है तो कोलेनकाइमा से बना, यानी वो तो लिविंग है, और अगर मोनोकोट की बात करें उसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना, यानी कि वो डेड है ना, इस तरह से आपको उसके फीचर्स सारे ध्यान में रखने, सो बनने वाले क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब मैंने ये मोनू की कहानी सुनाई, पर देखो बड़ा कौन है, डाइकोट है। अब जब रिंग सेरेमनी की बात आती, छोटे से बच्चे की तो रिंग सेरेमनी होगी नहीं, बड़े की होगी ना, तो इस कहानी में अगला इंटरेस्ट क्या है, डाइकोट यानी कि बड़ा, और बड़े के पास में वेस्कुलर बंडल का फीचर बताना चाह रहा हूं। आप कहानी के मूल पॉइंट को समझने की कोशिश करें, है ना, डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में रिंग, रिंग की बात आ रही है, यानी कि एक रिंग या छल्ले के फॉर्म में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होना, ये मैं आपसे लगातार इन दो डायग्राम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो वेस्कुलर बंडल एक रिंग के फॉर्म में अरेंजमेंट है, जबकि मैं मोनू की बात करूं, मोनोकोट तो उसने खिलौने बिखेर रखे, यानी स्केटेड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल से बिखरे हुए है ना, तो ये एक यूनिक फीचर होता है डाइकोट।
अब उसके अलावा फिर हाइपोडर्मिस इसकी किससे बनी, कोलेनकाइमा। उसके बाद में और भी दूसरा पेरिसाइकल लेवल पर ये कुछ मतलब स्क्लेरोकाइमेटिक टिश्यू की बात होती है, वो आपको ध्यान से इसमें पढ़ना है सारी बातें। अब यहां पर क्या है कि बच्चे ने सब बिखेर दिया, तो मोनो की बात करें तो मोनोकोट में पिथ पिथ एब्सेंट है ना, यहां पर मोनोकोट स्टेम में पिथ नहीं है और डाइकोट स्टेम में पिथ है। ठीक, देन उसके बाद में लीफ की बात कर लेते हैं, है ना। लीफ का कुछ ऐसे पॉइंट है कि उस लीफ दो तरह से होती है। मान लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक कोई अगर ले, लाइट सोर्स कोई ऐसा सनलाइट है और उसके सामने एक सरफेस उसी सनलाइट की तरफ है एक सरफेस, तो इस सरफेस को मैं डोर्सल साइड कहूंगा और बची हुई साइड को वेंट्रल कहूंगा। तो ये डोर्सल वेंट्रल साइड किसमें डिफाइन होती है, डाइकोट लीफ में। जबकि मैंने अगर लीफ को मान लो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि उसमें दोनों साइड है ना, इधर और इधर दोनों साइड बराबर लाइट पड़ता है, तो आइसोबाइलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो ये आइसोबाइलेटरल पैटर्न की लीफ किसमें होती है, मोनोकोट्स में। तो डाइकोट लीफ डोर्सोवेंट्रल होती है जबकि मोनोकोट लीफ आइसोबाइलेटरल होती है। अब इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। बुलिफॉर्म सेल्स की बात करें, है ना, बुलिफॉर्म सेल्स का किन में होती है, मोनोकोट में होती है। जबकि एडेक्सियल एबेक्सियल में हमको एडेक्सियल साइट पर कुछ अलग पेलिसेट फॉर्म में सेल मिलेगी, जबकि है ना एस्पोंजी सेल इधर एबेक्सियल में मिलेगी। ये बात किसमें होती है, डाइकोट में। ठीक है, स्टोमेटा के अरेंजमेंट की बात करें, अगर लाइट सोर्स की तरफ सरफेस डोर्सल है और इधर वेंट्रल है, डाइकोट पैटर्न है, तो जिधर लाइट सोर्स होता है उधर कोशिश की जाती है कि स्टोमेटा का नंबर कम रहे ताकि वाटर लॉस ना हो। तो डोर्सो वेंट्रल लीफ यानी कि डाइकोट लीफ में उसकी ऊपर वाली साइड डोर्सल साइड पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं, जबकि उसकी वेंट्रल साइड पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद में अगली बात समझें कि मोनोकोट में दोनों लेयर पर लगभग स्टोमेटा बराबर होते हैं। इस तरह के कुछ डिफरेंस देखते हुए आप इन सभी डाइकोट मोनोकोट रूट डाइकोट मोनोकोट स्टेम और लीफ को पढ़ सकते हैं और प्रॉपर तैयार कर सकते। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा पॉइंट सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सेकेंडरी ग्रोथ है ना, टॉपिक कुछ ऐसा है। सेकेंडरी ग्रोथ में हम देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इस पॉइंट को कुछ इस तरह से समझना होगा। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमको बात करें तो मैं सीधे कैम्बियम रिंग की बात करूं। कैम्बियम रिंग और कैम्बियम रिंग की बात करें अगर तो ये कहां बनेगी, तो आप जब अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ किन में होती है, क्या होती है, उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ ऐसे पॉइंट है कि ये डाइकोट मतलब डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है, ठीक, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है। डाइकोट स्टेम में होती, मोनोकोट में होती। बाकी रूट्स में बात करें तो उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो एक अलग पॉइंट है, उसमें अलग मेथड से होती है। फिलहाल हम डाइकोट स्टेम में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि एक तरह से मोटाई में बढ़ना, तना जो थिकनेस विड्थ उसकी जो बढ़ती है वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। अब मान लिया जाए स्टेम है, इसमें स्टेम में हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेम के मतलब वेस्कुलर लेवल पे बात करें, टिश्यू वेस्कुलर अरेंजमेंट तो रिंग में, और उसमें भी कोई एक अगर मैं डायग्राम ऐसा बनाना चाहूं कि कैसे क्या है, तो मान लीजिए ये बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने फ्लोएम कहा है, और उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने जाइलम, और ये अभी सेकेंडरी ग्रोथ होने के पहले हैं, इसलिए इन दोनों को मैं प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम कहूंगा। अब जो सुन पा रहे हैं वो ये है कि ये है प्राइमरी, क्या है ये, फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। इनके बीच में कुछ है जिसका नाम है कैम्बियम, है ना, कैम्बियम है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कैम्बियम है।
अब इस एक और यहां पर ऐसा बना है, यहां बना, यहां बना, तो कैम्बियम के एक्चुअल में यहां हम दो टाइप पढ़ना चाहिए, या हमको पढ़ना होगा दो टाइप। ये फिर से मैंने ऐसा बना दिया है, ये बाहर फ्लोएम बना दिया, अंदर जाइलम बना दिया है। अगेन यहां पर एक ये कैम्बियम है, ठीक है। तो ऐसा आप अज्यूम किए करिए कि पूरे में है ना, ये क्या है रेड स्ट्रक्चर कैम्बियम है ना, ये है कैम्बियम। पर ये कैम्बियम का टाइप अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। दोनों कैम्बियम के बीच की ये जो सेल्स होती है, ये यहां पे जो सेल है, ये सेल अभी फिलहाल तो क्या है, ये परमानेंट टिश्यू वाले पार्ट है, यानी कि इन सेल में डिवाइड होने की प्रॉपर्टी नहीं है। बट ये सेल्स मेडुलरी रेज की सेल है ये, और ये सेल डी डिफरेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और इनमें फिर से डिवाइड होने की कैपेबिलिटी आ जाती है। और उस बेसिस पर अब ये दो डिस्क डिसकंटिन्यूअस कैम्बियम को जोड़ देती है, और इस तरह से कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैम्बियम रिंग में ये जो एक सेगमेंट है, ये न्यू कैम्बियम जिसको मैं कह रहा हूं, है ना, तो पुराना कैम्बियम और नया कैम्बियम जुड़ के पूरा रिंग बनता है ना, ऐसा मान लीजिए पूरा रिंग बन जाता है ना, तो ऐसा ये पूरा रिंग बन गया कैम्बियम, इसको हम कह देंगे अब कैम्बियम रिंग है, ठीक। अब यहां पर बात ये कि कैम्बियम रिंग का बनना प्लस एक्टिवेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, उसकी अगर बात करें तो वो उसके पहले इनको इंटर एंड इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ये जो बाद में बनता है, ये बच्चों ध्यान दीजिए आप, ये है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, और ये है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, है ना, ये पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है। अब उसके अलावा एक्टिवेशन की बात करें, मैं पूरा यहां से हटा देता हूं, फिर ओनली हम कैम्बियम रिंग को ड्रॉ करेंगे, आसपास के जो स्ट्रक्चर है फिलहाल उनको हटा देते हैं। एक्टिवेशन ऑफ कैम्बियम, आप ध्यान देंगे अभी कि फिलहाल यहां पर प्राइमरी फ्लोएम कहां था, बाहर की ओर था, प्राइमरी जाइलम कहां है, अंदर की ओर है, और बीच में क्या है कैम्बियम। हम मान लेते हैं ये पूरा एक कैम्बियम रिंग है, सर्कुलर है कैम्बियम रिंग, अच्छा नहीं बना एक्चुअली में वो लहरदार और उसमें सोचने लगा, तो ये एक सर्कुलर कैम्बियम है रिंग है, ठीक है, ये कैम्बियम रिंग है। अब इस कैम्बियम रिंग की बात करें, एक्टिवेशन की बात करें, कैम्बियम रिंग अगर एक्टिवेशन है, इनर साइड मोर एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर साइड मोर एक्टिव एंड है ना मोर एक्टिव, इधर दिख नहीं रहा होगा, यहां लेते हैं मोर एक्टिव एंड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, इनर साइड ज्यादा एक्टिव रहेगा और क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, उसी तरह से आउटर साइड लेस एक्टिव एंड फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, उधर जाइलम बोला, ठीक है, आउटर साइड लेस एक्टिव एंड फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, और यहां पे सेकेंडरी जाइलम, तो अंदर बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, बाहर बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, चलिए मान लेते हैं ये पुराना फ्लोएम है, ये अभी नया फ्लोएम बना है, तो ये प्राइमरी फ्लोएम तो और बाहर जाता जाएगा, और धीरे धीरे ये प्राइमरी फ्लोएम दब जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम पर भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट पड़ रहा होता है, सेकेंडरी अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है कि सबसे अंदर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर चला जाएगा, और उसके भी पहले, क्योंकि रिंग, अरे रिंग के जस्ट पास में देखिए, रिंग बाहर की ओर क्या बना रही होती है सेकेंडरी फ्लोएम बाहर, और रिंग जस्ट अंदर क्या बना रही होती है सेकेंडरी जाइलम, है ना, ये है सेकेंडरी ग्रोथ। इस तरह से फिर इसकी कहानी बाकी यहाँ पर डिस्कस किया है, तो होता है ये कि धीरे धीरे सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम तो ऐसे सेकेंडरी जाइलम और ज्यादा ग्रो होता है, और प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम इतना नहीं रहता, वो दब जाता है, क्योंकि कैम्बियम रिंग अंदर की ओर ज्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है,
कैम्बियम रिंग बाहर कम एक्टिव रहती है, इसलिए बाहर सेकेंडरी फ्लो कम बनता है। और इस तरह से फिर टिश्यू का अरेंजमेंट होगा, और उसमें आपको वन बाय वन एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हैं, वो आप अगर देखते हो तो आपको बड़ा इजीली सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था इस पेज पर ये जो डायग्राम्स दिए हैं इनको लेकर बातें बता रहा था। पहले इसमें कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन की बात आएगी, इंटर एंड इंटर आएगा, देन उसके बाद में एक्टिवेशन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग आएगी। तो ध्यान रखेंगे कि कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है, बाहर की तरफ कम एक्टिव होती है। तो अंदर बनता क्या है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा बनेगा, कम बाहर कम एक्टिव है तो कम बनेगा। पर क्या कम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, क्या ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इस तरह से आप सेकेंडरी ग्रोथ और ये सारे पॉइंट कवर करते हैं। देन इसके बाद में आपको फेलम, फेलोजन एंड फेलोडम, इन तीनों को मिला के पेरिडम होता है, ये वाला डिस्कशन देखना है। आपको स्प्रिंग वुड ऑटम वुड के कुछ डिफरेंसेस देखना है ना, और एनुअल रिंग जो होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको हार्डवुड सैपवुड ये सारी बातें देखना है, और इस तरह से आपका एनाटॉमी टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है।